कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत मेंशन दिखाया जाता है, जहां हमें एवा नाम की लेडी को सुसाइड करते हुए दिखाया जाता है। अब यहां से सीन शिफ्ट करके हमें कुछ साल बाद न्यूयॉर्क शहर का दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक कंपनी के इवेंट में एक ईव नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर एक वेट्रेस का काम करती थी। ईव की मदर की डेथ कुछ वक्त पहले हो गई थी, जिस कारण वह अब बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब उस इवेंट में ईव को एक डीएनए किट मिलती है, जिसे घर लाकर ईव अपना सैंपल लेकर उसे टेस्ट करने भेजती है। फिर वह अपनी इकलौती फ्रेंड क्रिस के पास उस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट को चेक करने जाती है, जहां पर उसे अपने कजिन अलेक्जेंडर ओलिव के बारे में पता चलता है और वो ईव को मिलने बुलाता है, पर क्रिस उसे स्ट्रेंजर से मिलने के लिए मना करती है। ईव उसकी बात को इग्नोर करके फैमिली मिलने की खुशी में ओलिवर से मिलने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात ओलिवर से होती है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तभी बातों ही बातों में ओलिवर पर ईव को अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर एमेलाइन अलेक्जेंडर के स्कैंडल के बारे में बताते हुए कहता है कि उन्होंने इंगेज होते हुए भी एक ब्लैक मैन के साथ अफेयर किया था, जिससे उन्हें एक बेबी भी हुआ था और तुम उसी साइड से हो। फिर ओलिवर ईव को एक फैमिली वेडिंग का इनविटेशन देते हुए कहता है, इस वेडिंग में तुम बाकी के फैमिली मेंबर से भी मिल पाओगी। ईव एक्सेप्ट कर लेती है। अब कुछ दिन बाद ओलिवर ईव के लिए फ्लाइट का बिजनेस क्लास टिकट भेजता है और वेडिंग अटेंड करने के लिए ईव इंग्लैंड पहुंचती है। ओलिवर उसे अपने साथ अपने ले जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार मेंशन होता है, जहां पर वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही होती है और यह वही मेंशन होता है जहां से उस लेडी ने सुसाइड किया था। ईव मेंशन देखकर बहुत शॉक हो जाती है और मेंशन देखते हुए एक मेड से टकरा जाती है, तो उस मेड के हाथों से ग्लास की ट्रे गिर जाती है। तभी वहां पर मौजूद मिस्टर फील्ड, जो कि उस मेंशन का मैनेजर होता है, वह उसे डांटता है। उसके बाद ईव उस मेंशन के ओनर मिस्टर वॉल्टर से मिलती है, जो कि काफी चार्मिंग होता है। अब फील्ड ईव को मेंशन के अंदर ले जाता है और फिर एक ओल्ड मेड उसे उसका रूम दिखाती है। वह रूम काफी बड़ा और खूबसूरत होता है। वहाँ पर उसी लेडी की तस्वीर होती है, जिसने मूवी के स्टार्टिंग में सुसाइड किया था। अब रात को ईव क्रिस के साथ कॉल पे बात करती है और उसे बताती है कि वो जगह काफी अलग है। तभी ईव के रूम पर वॉल्टर आ जाता है और वह उसे गुड नाइट बोलकर चले जाता है। इसके बाद ईव भी सो जाती है, लेकिन वह रात के 3 बजे एक डरावने सपने की वजह से उठ जाती है। सपने में उसने खुद को मेंशन के बाहर वॉक करते हुए देखा था और उसने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर एमेलाइन अलेक्जेंडर को सुसाइड करते हुए भी देखा था। अब नींद से उठकर ईव अपने रूम से बाहर आती है, जहां पर हॉल में वो मिस्टर फील्ड को मेड से कुछ बोलते हुए देख पाती है। पर तभी ईव के सामने अचानक वह ओल्ड मेड आ जाती है और वह उसे अपने रूम में वापस जाने को कहती है। तभी फील्ड ईव को वहां देखकर सारी मेड को वहां से जाने को कहता है। अब ईव जाकर सो जाती है। अगले दिन वह सुबह लेट उठती है और वह उठते ही जल्दी से रेडी होकर मेंशन में हो रही पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो अपने अंकल जूलियस के साथ साथ बाकी के फैमिली मेंबर से भी मिल पाती है। सभी फैमिली मेंबर्स ईव का बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं और उसे विक्टोरिया और लूसी के साथ प्री वेडिंग फंक्शन में इनवाइट करने के लिए कहते हैं। अब अगले दिन वॉल्टर ईव को एक ड्रेस भेजता है फैमिली पार्टी अटेंड करने के लिए। शाम को ईव ग्रेस को कॉल करके सारी बातें बताती है और फिर रेडी होकर पार्टी में जाती है। वहां वॉल्टर बाकी लड़कियों को छोड़कर ईव के पास आ जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। फिर वॉल्टर ईव को अपने साथ आउट हाउस ले जाता है, जहाँ पहले वो काफी सारी बातें करते हैं। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। उस रात ईव को नींद नहीं आ रही होती, तभी वो रूम की सीलिंग पे किसी इविल पावर को देखती है और डरकर बेड के नीचे छुप जाती है। तभी अचानक वहाँ वॉल्टर आ जाता है, जिसे देखकर ईव और भी ज्यादा डर जाती है। तभी ईव वॉल्टर को बताती है कि सीलिंग पे कोई है, लेकिन वॉल्टर जब वहाँ देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता, तो वह ईव को संभालता है। अगले दिन सुबह विक्टोरिया और लूसी ईव को स्पा के लिए लेकर जाती है। विक्टोरिया ईव को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो ईव को वॉल्टर के खिलाफ भड़काती है। तभी ईव को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ईव चुपके से वॉल्टर के स्टडी रूम में जाती है, तो उसे पता चलता है कि वॉल्टर ने उसके वहाँ आने से पहले ही उसके बारे में पता किया था। ये सब देखकर ईव घबरा जाती है और वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है, जिसके बाद ईव वॉल्टर पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन वॉल्टर ईव को मना लेता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन ईव डिनर के लिए हॉल में आती है और वॉल्टर से ब्राइड और ग्रूम के बारे में पूछती है। तब वॉल्टर उसे शॉकिंग न्यूज देते हुए कहता है कि ब्राइड और ग्रूम और कोई नहीं बल्कि वे दोनों हैं। तभी ईव के सामने दो गार्ड्स एक मेड का गला काटकर उसका ब्लड वॉल्टर को देते हैं। यहाँ रिवील होता है कि वॉल्टर एक वैम्पायर है। ओलिव अलेक्जेंडर यानी ईव के कजिन की फैमिली ने पावर और मनी के लालच के लिए वैम्पायर वॉल्टर के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो अपनी 3 जनरेशन से वॉल्टर को एक एक वाइफ देंगे, जिनमें से 2 फैमिलीज ने विक्टोरिया और लूसी
एंड्रयू को एज अ वाइफ वॉल्टर को सौंप दिया था और वॉल्टर ने उन दोनों को भी वेम्पायर बना दिया था। पर अलेक्जेंडर की फैमिली ने ईव की ग्रैंड मदर एमालाइन के बाद सिर्फ लड़के पैदा हुए थे, इसीलिए ईव के बारे में पता लगने पर सब लोग एक्साइटेड थे ताकि अब वो वॉल्टर को अपनी फैमिली से तीसरी वाइफ दे पाए। ये सब देखकर ईव को शॉक लगता है और जैसे ही ईव वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो विक्टोरिया और लूसी ईव को एक कॉफिन में पूरी रात के लिए बंद कर देती है। अगले दिन वही ओल्ड मेड ईव को वहाँ से बाहर निकाल देती है। तब ईव के पूछने पर वो बताती है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर एमालाइन उसकी फ्रेंड थी, इसीलिए वह उसकी मदद कर रही है। अब ईव वहाँ से भागकर आउट हाउस में छुप जाती है। तभी वहाँ पर सब लोग ईव को ढूंढने लगते हैं। अब मिस्टर फील्ड वही ओल्ड मेड की डेड बॉडी वहाँ पर लाता है, यानी कि उन्होंने अब ओल्ड मेड को मार डाला था। यह देखकर ईव के मुंह से चीख निकल जाती है और जैसे ही मिस्टर फील्ड उसकी तरफ बढ़ता है तो ईव उसे लॉक करके जंगल की तरफ भाग जाती है। वो वहाँ से टाउन के अंदर एक ओल्ड कपल के घर पहुंचकर उनसे हेल्प मांगती है, पर वो लोग वॉल्टर को कॉल करके ईव के बारे में बता देते हैं। और जब ईव वहाँ पर एक फोटो फ्रेम में अलेक्जेंडर को देखती है तो वह समझ जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वह ओल्ड लेडी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसे दोबारा वॉल्टर के पास पहुँचा देती है। इसके बाद ईव को मैरिज के लिए वॉल्टर के सामने लाया जाता है। अब वॉल्टर उसे अपना ब्लड पीने के लिए कहता है। अब ईव के पास कोई चॉइस नहीं होती, इसीलिए वह डर कर वॉल्टर का ब्लड पी लेती है, जिस वजह से वो हाफ वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है। पर वैम्पायर बनने के बाद भी ईव का खुद के ऊपर कंट्रोल था, जिस वजह से वो वहाँ पर आग लगा देती है। फिर वो वॉल्टर के हार्ट पर एक नाइफ से स्टैब कर देती है और पास में बंधी हुई एक मेड को छुड़ा देती है और उसे बचाने के लिए उसके साथ भागती है। विक्टोरिया अब उसके पीछे भाग कर उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी लूसी वहाँ पर आकर विक्टोरिया को रोकती है क्योंकि उसे भी ये सारी चीजें गलत लगती थी। फिर विक्टोरिया और लूसी के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच एक एक्स दोनों के आर पार हो जाती है, जिस वजह से ऑन द स्पॉट दोनों की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर वैम्पायर मिस्टर फील्ड आ जाता है जो ईव पर अटैक करता है, लेकिन अब ईव उसे भी मार डालती है। इसके बाद वॉल्टर ईव को पकड़ लेता है तो ईव एक रोप से उसका हाथ जख्मी कर देती है, फिर उसे आग में जोर से पुश कर देती है जिस कारण वो आग में गिर जाता है और उसकी शक्तियाँ कम होने के कारण ही उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जैसे ही वॉल्टर मरता है तो ईव वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाती है। फिर वो पूरे मेंशन को जला देती है और उसके बाद अपने शहर वापस आ जाती है। यहाँ से सीन 2 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है। अब एक दिन ईव को ओलिव अलेक्जेंडर, जो कि उस मेंशन से भाग गया था, उसे न्यूयॉर्क में दिखता है, जिससे बदला लेने के लिए ईव अपनी बेस्ट फ्रेंड ग्रेस के साथ उसे फॉलो करती है और उसके घर के अंदर जाती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।